औरैया जिले की विधुना सीट से भाजपा विधायक विनय शाह के गायब बताए जा रहे हैं। उनकी बेटी ने एक वीडियो के जरिए दावा कर दिया है कि उनके पिता का अपहरण हुआ है, उन्हें जबरदस्ती सपा ज्वाइन करवाई जा सकती है। हालांकि पुलिस ने अपहरण की बात को नकारा है। जी हां, यूपी की राजनीति में उस समय बड़ा सियासी भूचाल आ गया जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया और सपा नेता अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर सामने आ गई। मौर्य के बाद उनके कुछ समर्थक विधायकों ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिए। इस बीच औरैया जिले की विधुना सीट से भाजपा विधायक विनय शाह भी गायब बताए जा रहे हैं। उनकी बेटी ने दावा कर दिया है कि उनका अपहरण कर दिया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से आया ताजा बयान कुछ और ही कहता है। विनय शाह की बेटी रिया ने एक बयान जारी कर अपने ही चाचा देवेश शाह पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा गया है कि उन्हें जबरदस्ती लखनऊ ले जाया गया। पहले आप रिया शाह का वीडियो देखें। सम्मानित सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं विधायक विधुना श्री विनय शाह की पुत्री रिया शाह के हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाह के व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। आपने देखा कि किस प्रकार विनय शाके की बेटी ने अपने चाचा देवेश शाके पर अपहरण का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद विनय शाके के भी इस्तीफे की चर्चा चल रही थी। चर्चा विनय शाके औरैया जिले की विधुना विधानसभा से विधायक हैं। अब इस विवाद पर अभी तक बीजेपी के किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सपा ने भी कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन औरैया जिले में ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस बीच औरैया के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि विधायक विनय शाह के विधुना शांति कॉलोनी जनपद इटावा में सकुशल अपनी माँ के साथ मौजूद हैं। अपहरण का आरोप असत्य एवं निराधार है। प्रकरण पारिवारिक विवाद से संबंधित है। आपको पुलिस अधीक्षक का बयान सुनवाते हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें औरैया स्थित विधुना विधानसभा के विधायक श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य द्वारा एक आरोप लगाया गया और उसमें बताया गया कि विधायक विनय शाक्य जी को जबरदस्ती उनके भाई देवेश शाक्य और उनकी मां लखनऊ ले जा रहे हैं। इसमें पुलिस द्वारा जांच करेगी। जांच में मेरे द्वारा स्वयं विधायक जी से वीडियो कॉल द्वारा बात करी गई। वीडियो कॉल में पाया गया कि वह अपने परिवारजनों के साथ औरैया स्थित इटावा स्थित उनके जो आवास है शांति कॉलोनी में, वहां पर मौजूद हैं। साथ में उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं जो पुलिस द्वारा उनको मुहैया कराया गया है, वह भी वहां पर मौजूद थे। इस समय हमारे एक डिप्टी एसपी लेवल के क्षेत्राधिकारी खुद विधायक जी के साथ उनके इटावा स्थित आवास पर मौजूद हैं और उन्होंने बताया है कि विधायक जी सकुशल अपने घर पर हैं। इस प्रकार का जो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, ये पूर्णतः निराधार है और इसमें कोई बल नहीं है। आपने देखा कि पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि अपहरण का आरोप असत्य एवं निराधार है। प्रकरण पारिवारिक विवाद से संबंधित है। मामले में देवेश शाक्य का कहना है कि वो अपने भाई का क्यों अपहरण करेंगे, वो उनकी सहमति से लखनऊ आए हैं। रिया का आरोप है तो पुलिस जांच करेगी। मेरा परिवार एक है और माँ भी मेरे साथ है। किसी दल के नेता के दबाव में रिया ऐसे आरोप लगा रही है। आप देख रहे थे द दस्तक 24 की रिपोर्ट।